1897 में भारत के पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमीर की सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए समना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लाखाट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह, मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजिशन पर।
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोपटे और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह पता है? हिंदुस्तानियों के खिलाफ पता है? आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है कुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। नहीं सर, सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दम लगाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये 2 किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह। मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से आजाद हो जाएंगे। वो 5,000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो मेहमद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा बुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मेहमद अल्लाह, यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया बुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है बुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वो जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली? महमदुल्ला अपनी जबान पे लगाम खींच। अपने औकात में रह सुल्तान। यकीन कस्से का महमद अल्लाह। जो बच्चों घर इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर, उस
कंट्री का नाम है सामना, और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है हिंदुस्तान की, थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवाल लाख से एक लड़ावा, तेरा गोविंद सिंह नाम को आवा, दुश्मन चाहे 2 साल हो या 10,000, छत्तीस रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलू, ऑफ कोर्स चांसिंग साहब, टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। बट सर, रिइंफोर्समेंट्स के लिए हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है, व्हाट कैन वी डू? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब, मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। इधर आओ बेटा सिंह, कम ऑन, डोंट बी शाय आउट चैट, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लोजर, क्लोजर, come on, a bit closer, a bit more closer, that's perfect. So tum apne senior officer ke hukm mana kar rahe ho? Wo baat nahi sir, mujhe jaane do, main 2 hafton mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na, aap afsar log bhi to jaate ho chuti par, pichle mahine aap hi to gaye the na, अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप, बुलटा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो, माफी मांग लो। Apologize, Bhuta! Apologize! Kamala Naman, Mahi Mangala. Ek! Tin! Both of you, let's go right now.
थो। अरे तन लगी तनी राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनू उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो थक गया होना पुत्र चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। Thank you.
थी क्या? मेरे से क्या बापू? तेरा पुत्र जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। याद में सिपाही का खून जाता है। मां सुने तो टोटली 17 इंजर्ड सोल्जर्स, बट थैंकफुली सभी खतरे से बाहर है। हर एक गोली के लिए एक दुश्मन, बट अगली बार अगर जंग होगी तो असला काफी नहीं होगा। यस चंद सिंह, गुरुद्वारे में अरदास की थी साहब, ये प्रसाद। अरदास इज प्रेयर,
Sir. Thank you, Chancellor. Sir. It's very tasty. It's a raw vinegar. Bilkul, sir. Thank you. Sir. सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद अब करदली के पास रखवा दिया। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अक्साय वापस जिंदा न लौटे। नहीं लौटेंगे साहब। इस बार ही 1000 आए थे, अगली बार 2000 आएंगे फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह। अगली बार और अक्साय 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे। और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके एक ऐसी तरकीब जिसे और अगजाए टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर वी हैव अ लॉट एट स्टेक यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी चल नीचे आ कारतूस के बिना बंदूक किस काम की ए तुसी रख लो पहला फिर दे दे मेरे काम तुसी रख लो मेरी आप रोटी नहीं खा रहे तू खा भी ले मैं बाज खाना है इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया इतना अच्छा जाएगा सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को और सब ठीक तो चल रहा है ना तेरी पोस्टिंग ठीक है पोस्टिंग ठीक नहीं है बाबा जी क्यों अफगानियों का एक कबीला है और अक्साई नाम से उस सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं आप समझो बाबा जी ये रोटी हमारी जमीन है इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है साड़ी जमीन पे दो किले हैं किला लुकाट ते किला गुलिस्तान हमारी 36 सेकंड रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजाई दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्ता कर सकता है और गुलिस्ता की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है ये दोनों की मदद करेगा तू आजा आजा रोटी खान दे तू ही खा पुत्र जी बाबा जी सत श्री अकाल सरदार जी जी मैं मिंटू वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा आ जाओ फिर रोटी खा ले नहीं जी आप तुसी खा लो जी मैं नहीं आपको याद है जब मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने अंबिया चुराई थी असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा कभी रे हाँ जी हाँ जी मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी कुछ गंभीर मसला लगता है जी बरनाले से और बरनाले में जो बूटा रहता ये पहलवान कौन है बाबा जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल ओ बूटा की होया पुत्र है भाई ओ इत्थे की होया ओ इत्थे ओ ये खेतों वाले मसले कके बैठ जा सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल ईश्वर सिंह की हाल रब दी मेहर जी तुहाडा आशीर्वाद ने सब ठीक ने ईश्वर सिंह
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਾ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਅਲਵਿੰਦਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਫੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੀ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤੋ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬੜਾ ਕੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਮਾਫੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਟੀਮ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ, ਭਾਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ, ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਬੇਸਰਾ ਘੜੀ। ਖੋਲ ਦੋ ਕਿਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਗਿਰੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਐ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ।
इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी, अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी। सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह पोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया बोले, कुछ हलचल हो रही है। ओ कबीले वाले होने हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। ओ नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की कर लग गया भोलिया। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देख लेते। जिंदा है। क्या करें, औरंगजेब को सारा गड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहेब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्चे। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिब, मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ मैंने जिंदगी बख्शी, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका।
अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही है। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही है। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सा बुन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान है जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती है, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है, उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना भी सही है तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी कफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये शायद आपका इंतजार करेगी। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।
सब तैयार? तैयार। राजी। हाँ जी। दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी शेरपाजी को देना पड़ेगा। पहला झंडा शेरपाजी, पहला झंडा दिख रहा है। मतलब 10 10 12 12 हजार बंदा है हमारे साथ। तब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना। ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं।
2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmuk. हाँ जी बाजी. वही दोनों पोस्टों पर संदेश भेजने. मैं पंच जाके दो दस्ते आ रहे. हमला जल्दी होने वाला है. पीछे हो गया भाजी चंगा for 6 hours. Tell Isha to abandon at will. Aji Gulista se sandesh aa raha साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे चलो रवड़ी मेरा दस्ता तैयार है पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते कोई गल नहीं काके अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं और रोकेंगे जरूर रोकेंगे हीरा जी पाजी एक काम कर जी जनाब देखो जनाब एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है ओए तलाशी लो जी जनाब जनाब
पेशावर से बरतानिया फौज का पैगाम आवे 4000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए गोलिस्तान सारागिरी और लौकर की हिफाजत के लिए। शमशेर ठीक कह रहे हो, उसने 1000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं कुरबाशा, पर खुदा का मेरा हमारे साथ है। मैंने बोला दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था क्या? फिर और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलों पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलों पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किले पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारे लिए, ताकि गोलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़े तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। ओए सुनो, ओए बाकी 10 तो पैगाम भेज दो। गुलबाशा ने वापस बुलाया है, हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलबाशा ने वापस बुलाया है, वापस चलो। जनाब गुलबाशा ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है, चलो दोनों को वापस लाओ। बोला ते पारा ए यो ना गल ते जीरा अपना जुगाड़ कम कर गया। और जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो इस गुल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा होगा कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्ता जाने से। अब ये अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुल बादशाह, आजा। Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigami? But why is Gulatek in Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. के सामने एक ये सिख कल हॉकिन को SOS भेजा सारा गाड़ी को मदद की जरूरत है वो सिर्फ 21 है मेजर साहब का संदेश है साहब सारागाड़ी को मदद की जरूरत है सेंड अ मैसेज टू ईशर सिंह लीव सारागाड़ी इमीडिएटली जी साहब छोड़ दो ईशर पाजी कर्नल साहब का संदेश है सारागाड़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो लिख के हमारे पास तरकीब है जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं हम पे भरोसा रखे ये भी लिखो हर बॉस की जिम्मेदारी जरूरी है ऐसे कम नहीं चलता और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है हर बॉस की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए लुकआउट पे औरतें और बच्चे भी हैं कुछ भी हो सकता है अजी उनका वापस संदेश आया है वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं और क्या और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बनाकर रखें तो जो आप भेज लोखाट को भेज के अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें ठीक है भाजी कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है हाँ जी पर पाजी हाँ इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा ओए काके ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख हमने ना इस गुल बादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेना देना ओए हमें के शेरी बड़े काफी है इसके लिए है कि नहीं बिल्कुल पाजी चल जा जिस दिशा आए तो मुझे बता देना हाँ जी और तैयार हो जा सारे बोटी जल्दी Thank you.
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखे? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। सब लोग अपनी पोजीशन पर। जी साहब। प्लान का अगला कदम उठाने के लिए तैयार? रब रखा, रब रखा। चलो 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 चलो। शर्मा जी, बंदूक। आजी, रब रखा। और रब रखा। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था मेहमद अल्लाह। हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोगुने वक्त लगेगा। और पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे।
सब लोग अपनी पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। उड़ा साइकिल को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूकें चला रहे हैं। तैयार। एक मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। गुल बादशाह के हमला करने के डर झड़के से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुप कर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि टीम पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गली में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं। नहीं, तुम दोनों ने दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। साथ को मैंने कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे इस सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragari? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Could have been quiet for some time. Kulip Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tanat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlo ki wajah se kam nahi karegi. Yes, sir. सिंह, और पुतले खड़े कर दे सारे। कुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। Ishapaji!
आवाज है। ओ भाई गुरु, नहीं क्यों होया? ओ भाई, जिसका डर था आ रहे बंदे सारे। दद्दू सारा सामान ले आओ, वो नीचे है तो कोई उसको ऊपर बुला ले, ऊपर आओ। दद्दू गोली दे दी, गोलियां साफ नहीं है। मैं जा। एक भी बंदे की नजर हटनी नहीं चाहिए, जल्दी बताओ। नजर लगे तद्दू, वो पीछे रख दे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। गोली पर दुश्मन का नाम लिखा, इन सबकी कमर ठोक देंगे आज। ना, एक भी बंदा गोली नहीं चलेगा जब तक मैं ना बोलूं। लाल बाजी, बात सुनो मेरी। तुम दोनों नंद के साथ जाके जहां जहां आपने जली लकड़ी रखी है ना, उधर जाओ। उधर जाके मिट्टी का तेल फेंके, फिर उधर दो। चले जी साहब। और तीनों की बौछार होने वाली है, सारे बंदे अपने बचाव के लिए तैयार हो जाओ। जी सुन लिया, फतेह।
जल्दी दुश्मन ने जिन तभी बहुत खड़े किए हैं तो का निशान है उन पर लगाया जाए पहचाना गुलबादशाह एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं थे सही पहचाना ऐशर से एक बादशाह है और इस जय की लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा वो बेवकूफ बन रहा है और ये फौजियों का पुतला रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल हौसला है उसमें पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है वो कैशेर की तरह आ रहा हमारे पीछे बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से तेज चलता है
बात सुनो, पहले की तरह आगे पीछे वाला दस्ता, 100 बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए। नीचे 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 मेरे सबसे बहादुर सीपी सरदार शहीद हो गए। ये हुई ना बात मेरे भतीजे। और चलो भाई, मेरे दादा वो मेरे दादा, सती सती। नीचे नीचे। और दूसरी की बात नीचे। वाइटर वाला दस्तार। हमारे एक सिपाही की जान। हमने कम से कम नहीं तो 2000 से 3000 बंदा उनका खत्म कर दिया। और किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहाँ पे वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है? हमारे मन में मौत का खौफ होना तो रहता, खून ना खून नहीं रहता, पानी बन जाता है। कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में बाजी मार रहा है कोई नहीं बाजी। और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती, न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है। जंग हिम्मत से जीती जाती है, हौसले से जीती जाती है, ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। इसके इरादे नापाक हैं। हमारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे। और दिन बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे। कोई तो पहुंचते हमारे पास लगाट ते पुलिस ना टीवी साहब है तेरे लगाट में मेम साहब और हमको कैसे मारना है मुझे अपने बच्चों की तरह। हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है जैसे हम अपने परिवार की करते हैं। करेंगे कि नहीं उन्हें तक दुश्मन को पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। कोई सवाल से कोई जानकर
ये जो सांस है ना मारी नहीं है सच्चे बादशाह की है ये जिंदगी मारी नहीं है कैसे चली गई चली गई कोई सवाल पे कोई शक कोई सवाल पे कोई शक कोई मैसेज सारा गाड़ी से नहीं सर इसका मतलब सारा गाड़ी का हेलीग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच रहा है डैमिट हैव टू ट्राई इन टच बेस एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग हैव दे बीन आस्क्ड टू रिट्रीट एंड इफ यस देन व्हाई आर दे स्टिल फायरिंग And who is doing the firing? Stop. Hum dusri patan leka sara gari jayenge. Balwinder, tum bhi saath chaloge. Ji sahab. Sara gari ko hamari madad ki zarurat hai. Hum taiyar hain sahab. Kala Singh, tum har waqt yahi rahoge. Aur jab bhi koi khabar aaye, hame turant khabar kar dena. Ji sahab. यही मुस्तैद रहूंगा बलविंदर तुम दूसरी दस्ती को मिश्री तैयार करो आज यहाँ पे सारा बंदा सुजलू से नहीं है पंजाबी से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहा से है आज हम सब सरफरोश है हिंदुस्तानी है बोले Thank you.
आज जीवा सिंह तुम्हारे पराठे सेकेगा। सीमार बाबू, आप क्यों परेशान? आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा है, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. उठा। मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊँ। काश मैं उसके साथ होता, तो मैं उसके जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला है, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी बैसा, आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। तो दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता। इशर बाजी, अपने फौजी रास्ते में पहुंच नहीं वाले। इनकी सपोर्ट फरी चले। हाँ सर। ये दरगाह तुम्हारा गुरूर है। जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। ये दस्तान को बचा नहीं पाए। वाकई है जीवा, सांस से भी कम है। अरे और कोले भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे। आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा। ए शेर सिंह, सारे के लिए हार गया। अलग सहयोग करा, अगर स्नान जरूर करवा देगा। ये शहादत भी किसी किसी खुश नसीब को नसीब होती है। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेटी को जाएंगे। अपने फौजी रास्ते में पहुंचने वाले।
हो जो सरफरोश हम ये माटी ही बनेंगे सारे लो पाजी संदेश आना शुरू हो गया है ओ पाजी बताओ मैंने अरे भाई गरुड़ क्या संदेश भेज रहा है छह शून्य अगर इस कमरे में आग लगा दी तो इसका और सरपरस्त हो जाएगा अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची मुझे वही गुरु मेहर करूं पर मेहर करूं वही गुरु मेरे मालिक क्या खबर है कुछ भी नहीं काले सिंह कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं मेम साहब डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं सिर्फ कर्मो की एक ऐसा है जो संदेश भेजना चाहता है ऐसा ना हो कि कहीं वो भी हे वाहेगुरु मेहर करूं सब पर
मेरे जवानों, नारायण राम तत्व। अरे आप हम 36 रेजिमेंट के सिर पर छह सरफरोश बचे हैं। ओ अब तक यहाँ पे कम करने वाला सिर्फ मैं था, मलदारी ईशा सिंह। लेकिन अब तुम सब अफसर हो। आज का हुक्म देने वाला कोई है? इनाम लेने वाला दुश्मन जरा भी तादाद में हमारे सामने? और जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इसे अपना परचम याद लाने नहीं देंगे। गुलबाद शाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। Thank you.
पड़ोसी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यानी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salagari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ये करा भाजी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रखकर सब सब जानूंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहनी है साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। हमको लगा सारा के ये धंधे में कम से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा, और बादशाह तुझे इसकी सजा देगा। ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी।
ये सारे गरीब तेरे लिए हिंदुस्तान है, पर अभी तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह। ये हिंदुस्तान तेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। खबरदार ईश्वर सिंह, इधर गया तुम्हारा गुरूर है, हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गए, ईश्वर सिंह सारा के लिए हार गया, ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ, अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को देगा।
मौत से नहीं डरता कुल बादशाह। इसको आपको बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। शेर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठे है? और मैं तेरे सामने खड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सलागड़ी हमारी है। अल्लाह तो ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करे शेर सिंह।
उसकी आंखें मोड़ देंगे। और बेटा ऐसे ना, खड़ा। Let's go inside.